आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक जॉब अपडेट के बारे में, एक न्यू जॉब अपडेट जो कि ये आपका झारखंड लोकेशन होने वाला है जॉब से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे झारखंड में आपको काम मिलने वाली है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि 8 के कैंडिडेट, 10th का, 12th का, BSc कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकेंगे। तो फटाफट से बात करते हैं कि क्या यहाँ पे आपका वैकेंसी निकाला गया है और कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा यहाँ पे आपका, नो एग्ज़ाम, ठीक है, और नो इंटरव्यू, ठीक है, ना ही इंटरव्यू होगा ना ही एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाली है। तो चलिए बताते हैं कैसे यहाँ पे अप्लाई करनी है और कौन कौन सा पोस्ट के लिए निकाला है। पहला अगर बात करें तो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आरोग्यम, जो कि ये हॉस्पिटल एंड रिसर्च PBT LTD गढ़वा में से निकाली गई है। ये आपका जॉब, आपका नेम यहाँ देख सकते हैं, नेम आपका होने वाला है ये आपका, जहाँ पर आप काम करेंगे वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का निकाला गया है, एक पोस्ट में निकाली गई है। 12th के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, 8,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रिसेप्शन का निकाला गया है, एक पोस्ट पे निकाली गई है। ठीक है, जैसे कि 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, 8,000 यहाँ भी आपको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइल सेफ्टी का निकाला गया है। ठीक है, दो पोस्ट पे निकाली गई है, 12th कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 9,000 आपको यहाँ पर मंथ दी जाएगी। ऑफिस स्टाफ का निकाला गया है, ठीक है, जैसे कि 9,000 यहाँ भी पेमेंट रखी गई है, एक पोस्ट पे निकाला गया है। नर्सिंग का निकाला गया है, ट्यूटर का, जो कि 4 पोस्ट रखा गया है। BSc कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, 16,000 रुपये यहाँ पर मंथ आपको यहाँ पर दी जाएगी। गार्ड का निकाला गया है, 4 आपका यहाँ पे सीटें निकाली गई है, 12th कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और ये आपका 8,000 पर मंथ दिया जाएगा। मेल का कैंडिडेट निकाला गया है, 2 पोस्ट है, 10th कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो ये था यहाँ पे, हम बता दिए। दूसरा अगर बात करें तो ज्योति नर्सिंग जो कि हाउस, ये आपका निकाला गया है, ये आपका गढ़वा में ही है। ठीक है, इसमें ANM का पोस्ट निकाली गई है जिसमें से 9,000 पर मंथ दिया जाएगा, 2 पोस्ट पे निकाला गया है। गार्ड का निकाला गया है जिसमें से 10th कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 8,000 पर मंथ दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे स्वीपर का निकाला गया है, एक पोस्ट पर 8,000 पर मंथ दिया जाएगा। और ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि गढ़वा, जो कि रान सेफ्टी सर्वर PBT LTD गढ़वा से ही निकाला गया है, जिसमें से फाइल्ड वर्कर और फील्ड वर्कर, और ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ऑफिस वर्कर का निकाला गया है, 35 और 55 पोस्ट पे। 10th कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 13,700 फील्ड वर्कर को दिया जाएगा और ऑफिस वर्कर को 8,700 दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गई होगी आप कैसे अप्लाई करना है। ये बात करते हैं कि कैसे कहाँ आपको जा करके अप्लाई करनी है और यहाँ पे कैसे आपको जॉब लेनी है। तो यहाँ पे बता दें, राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए ये आपका जो निकाली गई है, ये आपका जिला नियोजनालय गढ़वा में जा करके 29/6/2022 को, यानी कि दिनांक बुधवार को 11 से 4 बजे तक यहाँ पर भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा, मतलब जिला नियोजनालय परिषद गढ़वा में ही। ठीक है, एक दिवस जो कि आपका यहाँ पर दी जाएगी, इसमें भर्ती रोजगार योजना अंतर्गत यह आपका भर्ती कैंप आयोजन किया जाएगा। इसमें आपको क्या क्या आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है, भर्ती कैंप में भरे जाने इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड के यहाँ पे नियोजनालय से निबंधित होना अनिवार्य है। देख सकते हैं कि नियोजनालय से निबंधित होना आपको वहाँ पे अनिवार्य होगा। उसके बाद लिखा है, यदि किसी भी पूर्व निबंधित है तो वो भर्ती कैंप तिथि के पूर्ण जो है अपना निबंधित करवाने का, जिसके पास नहीं है वो ऑनलाइन यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, नियोजनालय में। और उसके बाद आपको सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, जैसे 10th का है तो 10th का डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, ठीक है, ये सब सारी चीज़ आपको वहाँ पे लेकर के भर्ती कैंप में पहुँच जाना है। ठीक है, तो कब पहुँचना है हम आपको बता दिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 29/6/2022 को आपको पहुँच जानी है, जो कि आपका ये आपका भर्ती कैंप जिला नियोजनालय परिषद गढ़वा में लगने वाली है। तो आई होप समझ में आ गई होगी कैसे यहाँ पे आपको जानी है और कैसे यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। इस तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।